हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो हम लोग को पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ देना पड़ता है और कैलकुलेशन के समय हमें क्या क्या चीज़ डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही में क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करते समय हम लोग को चाहिए, यानी कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का ही है। मैं बस आप लोग को समझा दूँगा, पढ़ा दूँगा क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करना है। जनरली स्टूडेंट्स इस जगह को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4.1 देखते हैं, असर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर का डेथ हो गया उसका या फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट असर्टेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ उसको देते हैं। द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटर्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इफ एनी, उसका शेयर ऑफ गुडविल, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि रिजर्व्स, उसका कोई भी गेन होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज में तो वो भी लेंगे, ठीक है। साथ में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ और रिटायरमेंट, यानी कि अगर कोई पार्टनर अप्रैल मंथ में या फिर सितंबर मंथ में रिटायर या डेथ करता है तो अप टू सितंबर यानी कि 6 मंथ्स का प्रॉफिट हमको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल इफ इन्वॉल्व्ड अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जो भी उसके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो भी ऐड करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। साथ ही में सैलरी, कमीशन इफ एनी उसका ड्यू है तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या क्या देना पड़ेगा हमको, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन केस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ करेंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिडक्शंस करेंगे हम लोग उसका कैलकुलेशन करते समय क्या कर सकते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ हिज करेंट अकाउंट इफ एनी, अगर उसके करेंट अकाउंट में कोई भी डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस हो जाएगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, कोई भी गुडविल अगर क्वेश्चन में दे देगा गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ तो उसमें वो उसका शेयर ऑफ गुडविल उसके कैलकुलेशन से माइनस होगा यानी कि डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हिज शेयर ऑफ लॉस अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, हिज ड्रॉइंग अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ, यानी कि कोई भी लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में, कोई भी आपका लॉस है या फिर कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन का लॉस है, ठीक है, या फिर नॉर्मल शेयर ऑफ लॉस है वो, या फिर ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी माइनस करेंगे, यानी कि ड्रॉइंग तो माइनस होगा ही होगा साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी माइनस करेंगे, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ऑल इज अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो ये था कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा पार्टनर जा रहा है या फिर डेथ कर रहा है उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट हमको देना है, यानी कि क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को इतना चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, एज इन केस ऑफ एडमिशन द वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर एज फॉलोस, ठीक है। जैसे कि एडमिशन में वो वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स है तो उसी तरह से डेथ और रिटायरमेंट में भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने में फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या गुडविल का कोई ट्रीटमेंट करना है, क्या गुडविल का कोई ट्रीटमेंट के लिए कुछ बोला है क्वेश्चन, तो वो देखेंगे। दूसरा हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे फोकस करेंगे कि हम लोग एसेट्स रिवैल्यू हो रहा है तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, एसेट्स लायबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है।
उसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में बहुत सारे कभी कभी दिए रहते हैं कि बहुत सारे एसेट्स अनरिकॉर्डेड रह गए या बहुत सारे लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड रह गए, तो उस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कोई भी प्रॉफिट अगर शो कर रहा है आपके बैलेंस शीट में तो उसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग असर्टेन करेंगे। क्या असर्टेन करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, यानी कि वो सितंबर में डेथ किया है तो अप टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यानी कि सितंबर तक का प्रॉफिट निकालेंगे और उसको शेयर में बांट देंगे। सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ़ रिक्वायर्ड। कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट करना है अगर ज़रूरत है तो वो कर देंगे, सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। फाइनली हम लोग सेटलमेंट कर देंगे जो भी अमाउंट ड्यू है रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इतने सारे थे जो हम लोग फोकस करेंगे, क्वेश्चन बनाते के समय, ठीक है। और ये सारे चीज़ है ये हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, यानी कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बात कहा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, एक बेसिक सा चीज़ है जो हम लोग छोड़ देते हैं, मुझे वही बताना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।